तो हाँ भाई करें शुरू। सबसे पहले हमने साइट पे AI देखा, फिर ऐप पर AI देखा, उसके बाद भाई स्मार्टफोन के अंदर आ गया, क्योंकि हमारा भाई आई से नाता पुराना है। कह रही यहाँ पर आज हमारे पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर AI मिलता है। तो अगर आप स्कूल जाते हो या भाई कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हो, इवन आपका ऑफिस वर्क भी काफी होता है, मतलब आप जॉब करते हो, तो इसका AI आपके सारे काम करके देगा, यहाँ तक कि इससे आप अपने मेल या एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हो। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे इसके AI की। और वैसे कौन सा लैपटॉप है वो बता दूं, ये है Lenovo का Idea Pad Slim 5i, और इसके अंदर मिलता है Intel Core Ultra 5। और Intel में जहां पर भी Ultra लगा देखो ना, समझ जाना भाई AI powered लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड NPU मिलता है। अब अगर आप स्मार्टफोन की नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा CPU GPU के ऊपर एक NPU भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता NPU क्या है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ा आगे तक वीडियो देखे समझ जाओगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो हम बना रहे हैं Lenovo और Microsoft के साथ मिलकर। अब हमारे पास जो ये तो उल्टा है पागल हो गया हूं मैं। अब हमारे पास जो लैपटॉप है ये है भाई 14 इंच लैपटॉप, और इसके बड़े साइज भी आते हैं, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए वो बाय कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई 14 इंच इनफ होता है, क्योंकि इसे कैरी करना काफी आसान है। मतलब आप कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो रेगुलर लैपटॉप लेके, तो इसे आराम से कैरी कर सकते हो। और इसका जो डिजाइन है ना भाई काफी सिंपल सा है, काफी मतलब मेजोरिटी ऑडियंस को ये पसंद आने वाला है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर इसकी जो बिल्ड है ये मेटल की है, और नॉर्मल भाई मेटल नहीं है, यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड मेटल यूज करा है, तो यहाँ पर बिल्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये 1.5 किलो के अंडर में है लैपटॉप, तो इसका वेट भी ज्यादा नहीं है। बाकी भाई ये स्लिम लैपटॉप है, मतलब Idea Pad स्लिम नाम रखा है, तो स्लिम सोच समझ के इसलिए रखा है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है फोल्ड करने के बाद वो 16.9 mm की है सिर्फ, तो काफी दुबला पतला और हल्का सा लैपटॉप है, कैरी करने के लिए बहुत सही चीज है। अब पतले होने के बाद लैपटॉप्स में जो एक चीज की कमी कर देती है कंपनियां, वो होते हैं पोर्ट्स, लेकिन यहां पर पोर्ट्स भी इनफ मिलते हैं आपको। भाई यहां पर राइट हैंड में मिल जाते हैं 2 USB A 3.2 Gen 1 के साथ, और यहां पर एक जो इनमें से पोर्ट है वो ऑलवेज ऑन पोर्ट है, मतलब आप इसे एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, अगर लैपटॉप बंद भी है ना तो इससे ऐसे केबल लगाओ और अपने फोन वगैरह को चार्ज करो, तो काफी महंगा पावर बैंक हो जाएगा। और यहीं राइट हैंड साइड पर ना माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, आजकल भाई किसी लैपटॉप के अंदर मुश्किल से ही देखने के लिए मिलता है, बट इसकी मेरे को एडवांटेज काफी लगती है, एक तो डेटा लेने काफी काम आता है, ऊपर से यहां पर कार्ड लगा के छोड़ दो, आप इसे एज अ स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। इसी के साइड में एक माइक्रोफोन है, और साइड में आपको पावर ऑन ऑफ लाइट देखने के लिए मिल जाती है। अब लेफ्ट हैंड पर आए तो यहाँ पर आपको दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, और यहाँ पर जो ये टाइप सी पोर्ट है ये भी 3.2 जेन 1 के साथ आते हैं, और दोनों ही पोर्ट से आप 4K स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो अप टू 144 Hz। बाकी ये जो पोर्ट है PD चार्जिंग 3.0 को भी सपोर्ट करते हैं, आप 65 वोल्ट आउटपुट वाले PD चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो, जैसे कि सैमसंग हो गया, मोटरोला हो गया, एप्पल, ये PD चार्जिंग ही सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप इनके स्मार्टफोन यूज करते हो, इनके चार्जर है आपके पास, तो उन्हीं के चार्जर से इसको भी आप चार्ज कर सकते हो, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आसान हो जाएगा, मल्टीपल चार्जर कैरी ना करके एक चार्जर ही कैरी करो और चार्ज कर लो सारे डिवाइस। इसी के साइड में आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, बाकी 3.5 mm जैक है, जिससे आप एक्सटर्नल हेडफोन और माइक्रोफोन यूज करके भाई मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हो। अब बात आती है यहां पर इसकी डिस्प्ले की, यहां पर 14 इंच का 2K OLED पैनल मिलता है, जो कि 400 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। विंडो वगैरह के पास बैठकर काम करना चाहते हो या बिल्कुल ऐसे शोरूम वाली लाइट में बैठ के काम करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत सारी लाइट लगी है, और उसके बाद भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां पर व्यूइंग एंगल्स भी काफी सही मिले हैं इसकी डिस्प्ले के। बाकी यहां पर हमारे पास ग्लॉस वेरिएंट है, आप चाहे तो इसकी डिस्प्ले में मैट वेरिएंट भी बाय कर सकते हो, ये अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हमारे पास ग्लॉस वाला है, हमने आपको बता दिया। उसके अलावा HDR कंटेंट भी ये लैपटॉप प्ले कर सकता है, लेकिन हर लैपटॉप की तरह इसको भी आपको पावर पर लगाकर रखना पड़ेगा, जब HDR कंटेंट ये प्ले कर पाएगा। बाकी यहां पर 100% DCI-P3 डिस्प्ले है, कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो, और स्पेशली यहां पर बेजल चिन भी बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले में कंटेंट देखने का वो बढ़िया मिलता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखो, आपको शटर मिल जाता है, मतलब प्राइवेसी शटर मिल जाता है, और यहां पर फुल HD कैमरा है जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, एंड यहां पर आप देख भी सकते हो, तो कुछ इस तरीके से इसका कैमरा परफॉर्म करता है। अभी यहां पर ना लाइट सोर्स काफी कम है, उसके बाद भी इसने मुझे काफी अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन मीटिंग और क्लासेस तो इससे ले सकते हो, बाकी आप जज करके बताना आपको कैसा लग रहा है इसका कैमरा। तो डिस्प्ले बढ़िया है, बट कंटेंट देखते हो स्पीकर्स मेरे को थोड़े से डिसेंट लगे, क्योंकि यहां पर 2-2 वोल्ट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं।
बाकी यहाँ पर आपको कीबोर्ड बता दूं तो नमपैड नहीं मिलता क्योंकि ये फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बैकलेट मिलती है व्हाइट कलर की और यहाँ पर कीज काफी अच्छे से रेस्पॉन्स करती है। और इसी के नीचे जो टचपैड मिलता है भाई ये भी काफी अच्छे से रेस्पॉन्स करता है और ये बटन लेस है जिसको आप सेटिंग से जाके अंदर से कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको सिंगल फिंगर से क्या करना है, डबल फिंगर से क्या करना है, ट्रिपल फिंगर से क्या करना है, तो वो आप अपनी यूजेज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग के अंदर जाने के बाद। अब यहाँ पर जो लैपटॉप है इसकी की में देखा जाए तो एक की आपको काफी यूनिक देखने के लिए मिलेगी और यहीं से होता है इस लैपटॉप का काम चालू। ये है माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट एआई की। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे आपको साइड में एक विंडो खुलते हुए देखने के लिए मिलेगी, बेसिकली यहाँ पर एक टैब खुल जाती है। अब ये काम कैसे करती है, मानो मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रही, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो यहां मैं सिंपली टाइप करूंगा प्लीज समराइज दिस और ये समराइज करके कुछ पॉइंटर्स में मेरे को बता देगी कि एक्चुअली यहां पर जो आप पेज देख रहे हो इस आर्टिकल में लिखा क्या है। और इसी तरीके से आप अगर स्टूडेंट हो, आपका कोई टॉपिक मिस हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब एग्जाम के लास्ट डे पढ़ रहे हो मेरी तरह, तो यहां पर आप सिंपली उसे समराइज करके कुछ पॉइंटर्स में ही समझ सकते हो। बाकी हम लोगों को पता ही राम कहानी तो हम लिखना जानते ही हैं, तो भाई वो छाप देते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस जाते हो, आपका मेल का काफी काम होता है, आपका सिंपली एक क्लिक में मेल लिख के दे देगा। और भाई अगर आप कोडिंग वगैरह सीख रहे हो ना तो आपको सीखने में काफी हेल्प करेगा, प्लस आपके लिए वो करके भी देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोडिंग का सी नहीं आता है, फिर भी यहाँ पर मैं कैलकुलेटर के कोड्स लिख सकता हूँ इससे। बेसिकली यहाँ पर HTML फाइल बना के देता है जिसे मैं कॉपी करके पेस्ट करके भाई काम में ले सकता हूँ। तो अगर आप खुद की भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसमें ये वाला AI काफी हेल्प कर देगा। बाकी यहाँ पर ये वर्ड और एक्सेल के साथ भी कंपेटेबल है। भाई हम क्रिएटर हैं, हमारा लोगो 3D वर्क काफी काम होता है, तो सिंपली यहाँ पर कुछ भी डालो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रॉग विद हैट, मेरे को एक इमेज चाहिए इसकी, तो देखो कितनी आसानी से इसने बना के दे दिया। तो भाई मस्त मस्त काम कर रहा है इसका AI और मेरे को एक्चुअली काफी यूजफुल लगा है। स्टूडेंट से लेके एक बड़े इंसान तक, मतलब बड़े आदमी तक काफी ज्यादा हेल्पफुल है और आपका सारा काम करके देगा। यहाँ तक कि इसका कोपाइलट आपके लिए इस लैपटॉप को कंट्रोल भी कर देगा। जैसे मेरे को नहीं समझ आ रहा इसका डार्क मोड कहां से लगेगा, सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे और ये डार्क मोड लगा देगा। इसी तरीके से भाई लैपटॉप के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चीज कहां से होगी, तो पहले हम क्या करते थे, गूगल। लेकिन आप गूगल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको मिलता है कोपाइलट, इसके अंदर टाइप करना है। जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि टच पैड को कस्टमाइज कहां से किया जाएगा, तो भाई मेरे को ये सोचना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने कोपाइलट से लिखा हाउ टू कस्टमाइज माय टच पैड। तो यहां पर इसने सिंपली दिखा दिया, स्टेप्स दिखा दिए, प्लस नीचे की तरफ वीडियो भी आई थी, तो यहां से मैंने काफी सिंपल तरीके से इसको कस्टमाइज कर दिया। इसी तरीके से आप पूरा काम कर सकते हो अपने लैपटॉप का इस कोपाइलट की मदद से। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये टाइप करके होगा, आप चाहे तो वॉइस कमांड दे दो, फोटो डाल दो या टाइप का, तो हमें पता ही है ऑप्शन, उसे करने के बाद ये आपका सारा काम कर देगा चुटकियों में। और इस लैपटॉप के जो AI टास्क है ना, जैसे कि इसके अंदर भाई अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, तो वो कर रहा है NPU। यहां पर आपको पता ही है कि GPU और CPU के क्या काम है, NPU यहां पर इस लैपटॉप के अंदर जो चिप है उसके अंदर डेडिकेटेड डाला हुआ है। ये बेसिकली AI के जितने भी ऑपरेशंस है वो NPU ही हैंडल करता है, जिसकी वजह से CPU और GPU का लोड कम हो जाता है और सारी चीजें अपना अपना अलग अलग अच्छे से काम कर लेती हैं। बट ऐसा भी नहीं, अगर आपके लैपटॉप के अंदर NPU नहीं है तो AI काम नहीं करेगा। बेसिकली क्या है, NPU से थोड़ा सा लोड कम हो गया, अगर आपको AI चलाना है तो आपके CPU GPU उसका लोड हैंडल कर लेगा और चल जाएगा। और अगर आपको भाई ये माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट यूज करना है और आपके लैपटॉप के अंदर एक कोपाइलट की नहीं है, तो इसे चलाने का जुगाड़ बताता है आपका भाई, विंडो और सी की को प्रेस करो, ये अपने आप खुल जाएगा, फिर सारे टास्क कर लो मस्त मस्त। बाकी इस प्रोसेसर के अंदर 14 कोर्स हैं, ये 125H प्रोसेसर है, H स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस, और इसकी जो कोर्स हैं ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। 4 कोर इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर मिलती है, 8 एफिशिएंसी कोर हैं और 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर हैं। लो पावर एफिशिएंसी कोर का बता देता हूं, जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो काम कर रहे हो तो म्यूजिक वाली जो चीज है वो लो पावर एफिशिएंसी कोर हैंडल करेगी। इसी तरीके से आपने कुछ अपलोडिंग पे लगाया हुआ और दूसरा काम कर रहे हो तो अपलोडिंग वाली चीज लो पावर एफिशिएंसी कोर हैंडल करेगी, जिसकी वजह से आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बेटर बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बाकी जो प्रोसेसर है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है, L3 कैश मिलती है इसके अंदर 18 MB की, और इसके अंदर किसी तरीके का कोई डेडिकेटेड GPU नहीं मिलता, मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटेल का आर्क ग्राफिक्स मिलता है जो आयरिस का बड़ा भाई है। बेसिकली अब नए सीरीज के इंटेल प्रोसेसर में ना आर्क ही इंटीग्रेटेड GPU मिलने वाला है आप लोगों को। बाकी इस लैपटॉप के अंदर 16 GB की LPDDR5X रैम मिलती है और ये सोल्डेड रैम है, तो आपको पहले से ध्यान में रखना है कि आपको कितने GB वाला वेरियंट चाहिए, क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। और इसी तरीके से इसमें आपको 1 TB की NVMe Gen 4 स्टोरेज मिलती है। अब इसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड बढ़िया है, लेकिन आप इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये 1 TB तक ही सपोर्ट
करता है, तो यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट जो है ना उसमें लगा के भाई अपनी मस्त एक्सटेंड कर सकते हो आप स्टोरेज। तो ये भी जुगाड़ बता दिया मैंने। बाकी इस लैपटॉप के अंदर ना हमने सिनेबेंच 3D मार्क और गीक बेंच टेस्ट को भी रन कराया, यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हो। लास्ट टाइम के i5 प्रोसेसर से बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है, तो अगर आप गेमिंग करते हो ना लो टू मीडियम ग्राफिक्स पे प्लेएबल है गेम, आप फोन फ्रेश करने के लिए इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो इस सेटिंग्स पे। लेकिन अगर आप बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग चाहते हो तो इनकी लीजन सीरीज आती है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी भाई GPU नहीं है इसके अंदर डेडिकेटेड, तो अगर आप बिल्कुल GPU वाला टास्क करते हो जैसे कि 3D ब्लेंडर या आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो वो इसके अंदर अच्छे से नहीं चलते। बट अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो 1080p फाइल को, तो ये 4 से 5 लेयर को आराम से हैंडल कर लेगा और 4K की 2 लेयर हैंडल कर पाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की ठीक मिलती है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि मेनली जो इसका काम है वो स्टूडेंट और ऑफिस गोअर्स के लिए है। और भाई उसमें काफी बढ़िया जैसे मल्टीटास्किंग हमने इसके अंदर करी, मल्टीपल टैब्स ओपन करी, काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। इवन ऐप को अगर आप बैकग्राउंड से उठाते हो तो उसे लोड भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका रैम मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस नॉर्मल काफी बढ़िया मिल जाती है, और कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं मिले मेरे को जितना ही मैंने इसके अंदर टास्क करा है। और ये सब काफी हद तक लिनोवो का जो AI इंजन है उसकी मदद से भी हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एडेप्टिव परफॉर्मेंस मोड मिलता है। ये बेसिकली स्मार्टली पावर डिलीवर करता है, आपकी यूजेज के हिसाब से लैपटॉप समझेगा कि कब अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, कब बैटरी बचानी है और कब थर्मल को कंट्रोल करना है ताकि लैपटॉप हमारा ठंडा रहे और अच्छी परफॉर्मेंस मिले। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा टास्क करते हो जिसके अंदर इंटरनेट की सख्त जरूरत होती है तो अपने जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है उसे बूस्ट कर लेता है। अब ये कहोगे कि भाई हमेशा बूस्ट करके क्यों नहीं रहता, तो उस टाइम पर बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगी और आपको अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी स्मार्टली खेल रहा है अपने AI की मदद से। बाकी इसके अंदर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी भी मिलती है, यहाँ पर आपको सेल्फ हीलिंग मोड दिया है इसके अंदर, जो काफी ज्यादा यूजफुल लगा मेरे को, क्योंकि काफी बार क्या हुआ है मैंने लैपटॉप खोला और ऐप क्रैश हुई और मेरा डेटा लॉस्ट हो गया, तो ये क्या करता है बैकग्राउंड में चीजों को हील करता रहता है ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। बाकी इसके अंदर नेचुरल फाइल गार्ड मिलता है, आपका जितना भी डेटा है ना इस लैपटॉप के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा, जिससे कोई भी पेन ड्राइव लगा के आपके डेटा को ना निकाल पाए जब तक उसे पासवर्ड ना पता हो। बाकी इसके अंदर लिनोवो वेंटेज ऐप मिलती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो भाई इसकी वारंटी कितनी बची हुई है, अपडेट तो नहीं चाहिए, बैटरी बैकअप मतलब बैटरी कितनी है, कितना चल जाएगी, यहाँ तक कि आप इसके स्पीकर्स में कुछ प्रीसेट्स दिए हैं उसे भी यूज कर सकते हो, जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पर इतना नहीं है। यहाँ पर भाई लिनोवो की वेंटेज ऐप कस्टमाइजेशन लेके इसकी इन्फॉर्मेशन तक लेने के लिए काफी यूजफुल लगी है मेरे को। बाकी कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.2 है जिसकी कनेक्टिविटी मेरे को ठीक लगी, 57 वोल्ट आर की बैटरी और 65 वोल्ट की चार्जिंग तो मैंने आपको बताई दिया, तो आप किसी भी PD चार्जर से मस्त चार्ज भी कर सकते हो। बाकी इसकी बैटरी भाई अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो 5 से 6 घंटे चलती है, और अगर आप गेमिंग करोगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप लैपटॉप के हिसाब से उसके साइज और बैटरी के हिसाब से ठीक मिल जाता है आपको। तो मेरे हिसाब से भाई लैपटॉप बढ़िया है स्पेशली स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो AI का भरपूर मजा लेने वाले हैं, मतलब उसे निचोड़ देंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे इसका प्राइस भी ठीक है, 80,990 रुपीज है, और अगर कस्टमाइजेशन कराओगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो लिनोवो AI 3000 तो आपको 3000 का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कुछ पिन कोड पे 4 घंटे के अंदर डिलीवरी भी दे देंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, भाई अभी मेरे हाथ में फ्यूचर है, बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये लैपटॉप। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें। टू वॉच योर हार्ट, फिल स्टे ट्यून विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।